तो दोस्तों, एमडीयू के डिस्टेंस एडमिशन का नोटिस, एडमिशन नोटिस रिवाइज हो चुका है। और सबको एक खुशखबरी बतानी चाहिए कि एक अच्छी खबर है कि लंबे टाइम की डेट आ चुकी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले पूरा अंत तक देखना, पूरा एडमिशन की हर बारीकी से डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो नोटिफिकेशन की घंटी को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, रिवाइज नोटिफिकेशन आ चुकी है एडमिशन की, डिस्टेंस की। तो पहली मेन बात है कि जो नए एडमिशन होंगे अब वो सेमेस्टर मोड में होंगे, साल में दो बार उनके पेपर होंगे। और दोस्तों, मेन बात ये भी है कि अब साल में दो बार एडमिशन भी होंगे, ये बात। तो दोस्तों, नए एडमिशन की बात हो गई। और पुराने एडमिशन दोस्तों, पुराने जो पहले से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके एनुअल मोड ही है, उनके साल में एक बार ही पेपर होंगे जो दूसरे और तीसरे वर्ष में दाखिला ले रहे हैं। तो दोस्तों, लास्ट डेट बढ़ाकर ₹500 लेट फीस के साथ 19 दिसंबर कर दी गई है और ₹1000 लेट फीस के साथ 31 दिसंबर कर दी गई है। तो दोस्तों, आपको फॉर्म कहाँ पे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको admission.mdu.ac.in इस पर फॉर्म भरना है। admission.mdu.ac.in इस पर आपको फॉर्म भरना है। और जितने पुराने बच्चे हैं उन्हें यूज़र आईडी और पासवर्ड फ़ोन पर मैसेज आया होगा और उन्हें यहाँ पर student.mdu.ac.in इस पोर्टल पर जाकर अपनी फ़ीस जमा करानी है, सारी डिटेल्स भर के फिर फीस जमा करानी है। तो आप लोगों के बहुत से डाउट है एडमिशन से रिलेटेड, जिसको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आया और क्या फॉर्म जाकर भी जमा कराना है वो ज़रूरी है या नहीं है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपके वो सभी डाउट्स भी क्लियर करता हूँ। मैं आपको सीधा ऑफिशियल जो चीज़ है उस पर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, पहली सवाल जो मेन आता है कि यार, हमारे पहले और दूसरे साल के रिज़ल्ट भी नहीं आए हैं तो क्या हम दूसरे तीसरे साल में दाखिला ले सकते हैं? तो हाँ, आप ले सकते हैं सेकंड थर्ड ईयर में। और आपके एग्ज़ाम्स बाद में करवाए जाएंगे, जब भी यूनिवर्सिटी करवाती है। वो अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कब कराएंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स ज़रूर कराएंगे। और सेकंड, फ़ीस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, फ़ीस स्ट्रक्चर ये रहा, नए स्टूडेंट का ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। और पुराने स्टूडेंट का फ़ीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ये रहा पुराने स्टूडेंट का फ़ीस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, आपने फ़ीस स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। उसके बाद पासवर्ड की बात आती है, जो पुराने बच्चे हैं इंटरमीडिएट बोलते हैं जिन्हें, आईडी पासवर्ड। तो दोस्तों, आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जा चुका है आईडी पासवर्ड का, जो आपने एडमिशन के वक्त दर्ज कराया था उस पर। और किसी को कोई दिक्कत आती है पासवर्ड से रिलेटेड, तो उसे सुपरिटेंडेंट यूजी और सुपरिटेंडेंट पीजी इस पर मेल करनी है। मेल आईडी ये रही, यहाँ पर मैं यूजी की बता देता हूँ, sup.dt.ug.dd@mdu.rohtak.ac.in। और ऐसे ही पीजी की है, sup.dt.pg.dd@mdu.rohtak.ac.in, ये पीजी वालों के लिए है। और दोस्तों, फ्रेश एडमिशन यूज़र मैनुअल प्रोस्पेक्टस आ चुका है, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। अब आती है पेमेंट ऑफ फ़ीस। तो फ़ीस दोस्तों नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से कटेगी। अब दोस्तों, मेन बात आती है कि क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है या नहीं करवाना, हार्ड कॉपी बोलते हैं जिसे। तो दोस्तों, हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करानी है फ़िलहाल। यहाँ पर एमडीयू का ऑफिशियल है पढ़ा ये, नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म इन डीडी। तो दोस्तों, पुराना स्टूडेंट हो, नया स्टूडेंट हो, कोई भी डीडी का स्टूडेंट हो, फिलहाल उसे एडमिशन कॉपी जमा नहीं करानी। अब दोस्तों, मेन बात आती है कि हमें पता कैसे लगेगा कि पहले साल में हम दाखिला करा रहे हैं, हमने 9-10 हज़ार रुपये फ़ीस भी पे कर दी है, तो हमें पता कैसे लगेगा एडमिशन हमारा हो चुका है या नहीं हो चुका। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अभी करंटली इस साल जितने भी एडमिशन हो रहे हैं वो प्रोविजनल एडमिशन हो रहे हैं। और जब थोड़ी सिचुएशन सी नॉर्मल होएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ोन पे मैसेज भेज दिया जाएगा, या आपको एक नोटिस निकाल दिया जाएगा डीडीई की तरफ से कि भाई, जिन्होंने नए फॉर्म भरे थे, नए दाखिले लिए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले आएँ। तो दोस्तों, उसके बाद
जाकर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन होएगा। तो दोस्तों यही अपडेट है आप लोगों के लिए, फाइनल एडमिशन तब जाकर होएगा। दोस्तों इस टाइम कॉलेजों में भी जो एडमिशन हो रहे हैं, कैंपस में भी जो एडमिशन हो रहे हैं, वो प्रोविजनल एडमिशन हो रहे हैं। वहाँ भी ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं ना, उसके बाद भी वो प्रोविजनल एडमिशन ही हो रहे हैं। वो मैसेज कर देते हैं कि जब एडमिशन होने के बाद 10-15 दिन 20 दिन के बाद, हाँ भाई डॉक्यूमेंट लेकर आ जाओ, तो वो वेरीफाई कर देते हैं फिजिकली, उसके बाद एडमिशन पक्का हो जाता है दोस्तों, किसी के में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों मेन बात है कि हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करानी है फ़िलहाल, और करवानी होगी तो MDU अपनी वेबसाइट पे नोटिस कर देगा या आपको मैसेज कर देगा पर्सनली। फ़िलहाल कुछ सबमिट नहीं कराना है, फ़िलहाल सिर्फ फीस पे करनी है और आपका एडमिशन प्रोविजनली हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी DDE से जितने भी डाउट्स हैं वो मैं सोल्व करूं, और मेन डाउट जो रह गया होगा आपका कि एडमिशन कब होए, रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो एग्ज़ाम कब होएगा। तो दोस्तों उम्मीद मुझे एक तुक्का सा लगा के मैं बता दूं अंदाज़ा, तो भाई दिसंबर के लास्ट में लगता है मुझे कि एग्ज़ाम्स होने की उम्मीद है। दिसंबर के लास्ट में आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, आपके एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे। ये BS सिंधु सर ने भी बताया था कि आपके एग्ज़ाम्स DDE वालों के कराए जाएंगे, क्योंकि मेन बात अब एक क्वेश्चन और भी आएगा कि एग्ज़ाम्स क्यों कराए जाएंगे। तो दोस्तों ना आपको अटेंडेंस वगैरह के नंबर मिलते, ना आप कोई प्रेजेंटेशन देते, ना आप कोई आपके असाइनमेंट वगैरह आपने लिख के भेजे हुए यूनिवर्सिटी में उस बेस पे नंबर लगे, ना आपका कोई प्रैक्टिकल हुआ है, ना कोई आपने पुराने कोई पेपर दे रखे हैं जिनके बेस पर आपके रिजल्ट डिक्लेयर किए जा सकें। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के चलते सभी डिस्टेंस वाले बच्चों के पेपर कराए जाएंगे। वो अभी डेट वगैरह डिसाइड नहीं हुई है, लगता है कि यूनिवर्सिटी इस महीने के अंत में फ्री हो जाएगी, तो इस महीने के अंत में कराए जाएंगे, क्योंकि अभी रिज़ल्ट निकालने वगैरह का बहुत एडमिशन का प्रोसेस का चल रही है, तो महीने के अंत में मुझे लगता है कराए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने DDE ग्रुप्स में, सारी क्वेरी सोल्व करने की कोशिश रही है। थैंक्स अ लॉट।